कौन कौन मेहंदीपुर गया है? भाई कितने गए मेहंदीपुर बताओ तो? गए हो मेहंदीपुर कौन कौन? पक्का? मेहंदीपुर की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है मेहंदीपुर की? मेहंदीपुर में क्या होता है? जोर से बोलो। संकट का टैस है। साला सर में कृपा मिलती है, दया मिलती है, और मेहंदीपुर में संकट कटते हैं। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की। और भाई शुद्ध भाषा में कहता हूं, मेहंदीपुर में भूत उतरे से। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की, जिसमें भूत चढ़े उसे ले जाओ मेहंदीपुर, काम हो वही हो। अरे मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर दरबार में, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में। देखो भाई मैं सच बताऊं, मेरा संकट तो मेहंदीपुर में कटा ही कटा। आप में से किस किस का संकट मेहंदीपुर में कटा है? मैं दोनों हाथ करके बोलना, मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, 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 संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में, मेरा संकट कट गया जी साला सर के दरबार में। ओहो दोनों हाथ बोलना, ये ताली है। चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, कितने चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, मैं पीछे पड़ गया यारों मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारों मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारों मेरे एक भूत का सहाया, पीछे पड़ गया यारों मेरे एक भूत का मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे, मेरे बस की बात नहीं वो मन ने बना बतावे, वो मन ने बना बतावे। फिर क्यों होया शीतल भाई? फिर क्यों होना था? रैम में वो मेरे चिपट गया जी, मैं सिर मारू दीवार में, मेरे चिपट गया जी, मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी, मैं सिर मारू दीवार में, वो मेरे चिपट गया जी, मैं सिर मारू दीवार में। ये दोनों हाथ खोल के फुल घाटे वाले की जय हो। हमारे पिताजी क्या करते थे बेटा, होली दिवाली बाहर नहीं निकलते, कहते थे नहीं कहते थे? हाँ या ना? ये शाम को बच्चा जब घर से सेंट लगा के निकलता था, माँ कहती थी मूर्ख पागल सेंट लगा के नहीं जाते बाहर, क्यों? क्योंकि उसको पता होता था इसके जीवन में तकलीफ आ सकती है। एक दिन चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, पीछे पड़ गया यारों मेरे एक भूत का साया,
हालत मेरी बिगड़न लागी समझ नहीं कुछ आवे मेरे बस की बात नहीं वो मन्ने बड़ा सतावे वो मन्ने बड़ा सतावे वो मन्ने बड़ा सतावे वो मेरे चपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में वो मेरे चपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में वो मेरे चपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में वो मेरे चपट गया जी मैं सिर मारू दीवार में तालियां बजाओ हाथ खड़े करो पर बालाजी के लिए दोनों हाथ खोल के बाद ये तालियां बनाने के बाद एक दो तीन चार डॉक्टर वैद दिखा दो डोलू लागे नहीं दवाई डॉक्टर वैद दिखाता डोलू लागे नहीं दवाई डॉक्टर वैद दिखा दो डोलू लागे नहीं दवाई डॉक्टर वैद दिखाता डोलू लागे नहीं दवाई एक जना नु बोला इसने मेहंदीपुर ले चालो 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 फिर क्यों या भाई फिर क्यों ना था मैं जाने ते नट गया जी कित जाने से नट गया मैं जाने ते नट गया जी उस बाबा के दरबार में जाने नट गया जी उस बाबा के दरबार में मैं सकत कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में सकत कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में दरबार की महिमा हमने देखी है मेहंदीपुर धाम की महिमा हमने देखी है ऐसा पावन दरबार है जहां बड़े बड़े लोगों के संकट कटे जिसका काम कहीं नहीं होता आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने डॉक्टरों को दिखा दिखा के अपने पैसे खूब खराब किए हो और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया हो कि बीमारी तो कोई है ही नहीं लेकिन दिन प्रतिदिन वो सुखता जा रहा है एक बार जगत के सबसे बड़े डॉक्टर के पास मेहंदीपुर धाम उसको लेके जाना और अगर यहां सुनवाई हो गई और यहां वो पावन छींटे लग गए तो बेड़ा पार और उसके बाद मैं दावा करता हूं उसके बाद जीवन में फिर किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा दरबार है पावन दरबार जी दोनों हाथ को एक बार ताली बराबर मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया लागा जब आरती का छीटा निर्मल होगी काया लागा जब आरती का छीटा निर्मल होगी काया भूत प्रेत संभागे मेरे मिल गया था छुटकारा भूत प्रेत संभागे मिल गया था छुटकारा भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा भूत प्रेत सब भागे मेरे मिल गया था छुटकारा बालाजी ने कर दिया मेरे संकट का निपटारा मेरे संकट का निपटारा फिर क्यों होया भाई फिर के होना था मने बेरा पट गया जी के बेरा पट गया भाई मने बेरा पट गया जी ना ऐसा कोई संसार में मने मेरा पट गया जी ना ऐसा कोई संसार में मेरा संकट कट गया जी मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी